हेलो दोस्तों, आज आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर है आइसक्रीम का, और इसको बनाएंगे बिना गैस जलाए। गर्मियों में बच्चे बहुत परेशान करते हैं, आइसक्रीम चाहिए आइसक्रीम चाहिए, तो आप भी स्मूथ यमी वाला आइसक्रीम बनाएं और फटाफट 10 से 15 मिनट लगेगा और बिना गैस जलाए, जो प्लेट से गायब हो जाए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने फ्रेश ब्रेड लिया है और इसका जो ब्राउन पार्ट है इसको कट करके निकाल देंगे। सारे ब्रेड का ब्राउन पार्ट कट करके निकाल देंगे, व्हाइट वाले पार्ट को एक जगह रखेंगे। आइसक्रीम के लिए जब भी ब्रेड लें तो ताज़ा देख के ब्रेड लें, पुराना ब्रेड कभी ना लें, नहीं तो आइसक्रीम ख़राब हो जाएगी। और ये जो ब्राउन पार्ट है इसको वेस्ट नहीं करेंगे, इसका ब्रेड क्रम्स बना लेंगे और व्हाइट वाले पार्ट को कट करके एक प्लेट में रखेंगे साइड में। इस आइसक्रीम को बनाने में मात्र 10 से 15 मिनट लगेंगे। सारे ब्रेड को कट करके हमने प्लेट में रख दिया है। अब लेंगे मिक्सी जार और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे शुगर। आपको जितना मीठा खाना है उस हिसाब से शुगर ले लें। मैंने बड़े स्पून से 3 स्पून शुगर लिया है, साथ में काजू, पिस्ता और बादाम, आपके पास जो ड्राई फ्रूट हो ले सकते हैं। और सबसे मेन इसमें इलायची, छोटी वाली इलायची हमने 4 लिया है, और इसका बारीक पाउडर तैयार करेंगे ब्लेंड करके। इसका पाउडर तैयार कर लेते हैं, देखिए कितना बारीक पाउडर तैयार हुआ है। हाथ से निकाल के मैं दिखा रही हूँ कितना बारीक पाउडर तैयार हुआ है। शुगर के साथ कभी भी आप ड्राई फ्रूट हो या इलायची हो आप पीसेंगे तो बहुत बारीक पाउडर तैयार होता है। अब इसमें ले लेंगे फुल क्रीम दूध। मैं इसमें ले रही हूँ 2 गिलास दूध, तो 1 गिलास हमने डाल दिया है और दूसरा गिलास, और ये बॉयल किया हुआ दूध है, इसे अच्छे से बॉयल किया हुआ है, क्रीम वाली फुल क्रीम दूध है। और बड़े स्पून से 2 स्पून मिल्क पाउडर जो डायरेक्ट दूध में डाल देंगे मिक्सी जार में। साथ में डालेंगे केसर वाला दूध। दूध में मैं केसर भिंगा के पहले से रख दी थी और केसर वाला कलर भी 2 ड्रॉप डाली हूँ, बहुत अच्छा कलर आ जाएगा इसमें। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसमें फूड कलर डालें, नहीं तो केवल केसर वाला दूध डाल दें। अगर नहीं तो बिना केसर वाला दूध डाले ही बना लें, घर पे बनाना है तो, अगर नहीं हो केसर तो। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। अब इसमें जो ब्रेड कट करके रखी थी उसको डाल देंगे दूध में। सारे ब्रेड को मैं डाल दी हूँ जार में। अब इसको फिर से एक बार ब्लेंड कर लेंगे, इससे आइसक्रीम का जो बैटर है वो गाढ़ा हो जाएगा। देखें ब्रेड सारा पिस गया है अच्छे से दूध के अंदर और जो बैटर है वो गाढ़ा हो गया है। अब इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि कुल्फ़ी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है ये। अब इसको कुल्फ़ी वाला मोल्ड हो उसमें ले लें या किसी भी कप में, ग्लास में, आप किसी भी चीज़ में आइसक्रीम बना लें। मैं इसको बनाऊँगी मटका वाला आइसक्रीम, तो सारे बैटर को मैं ले ली हूँ मटके वाले कप में। और देखिए कितना स्मूथ, कितना अच्छा कलर आया है बैटर का, बिल्कुल परफेक्ट है आइसक्रीम के लिए। सारे बैटर को हमने ले लिया है कप में। अब ऊपर से बादाम पिस्ता से गार्निश कर देंगे ताकि देखने में सुंदर लगे। सारे कप में हमने बादाम पिस्ता कट करके रखी थी उसको डाल दी हूँ। अब फॉइल पेपर से इसको ढक देंगे और 5 से 6 घंटे के लिए रखेंगे फ्रीजर में। हमारा आइसक्रीम बनके तैयार हो जाएगा। तो चलते हैं फ्रीजर में रखते हैं इसको। देखिए 6 घंटे हो गए हैं, अब मैं इसको निकाल के लाई हूँ फ्रीज से। देखिए कितना यमी आइसक्रीम बनके तैयार हुआ है, बिना गैस जलाए मात्र 10 मिनट में आइसक्रीम बनके तैयार हुआ है। और देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर है, इसको स्पून से निकाल के दिखा रही हूँ। देखिए कितना यमी लग रहा है ना, और खाने में भी बहुत यमी है। देखें तो आप भी इसको ज़रूर बनाएं, बहुत ही यमी आइसक्रीम है, बहुत ही कम समय में बन के तैयार होगा बच्चों के लिए, ताकि बच्चे भी इंजॉय करें और आपको भी ज़्यादा मेहनत ना लगे, प्लेट से ही गायब हो जाए। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।